मिनी बहुत जिद कर रही है मुझे और मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही है, रो रही है कि मुझे अपनी गोद में उठा लो। मैं वीडियो मत बनाऊं मिनी, अब आप मेरी बातें सुन रही हो? मिनी मिनी, ये देखें जी, ये नॉटी गर्ल मिनी, ये मुझे बिल्कुल वीडियो नहीं बनाने दे रही। मिनी आप सब, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। ये देखें छोटे छोटे बेबीज मिनी के आए हुए हैं, ये थोड़े से बीमार थे तो मैं इनको ले आई हूँ, इनका ट्रीटमेंट कर रही हूँ, इनको डायरिया हुआ हुआ है। तो बहुत सारे आप लोग के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं 1 और 2 मंथ्स के जो किटन्स होते हैं, तो उनको हमें क्या डाइट देनी चाहिए। इंशाल्लाह आगे मैं आगे आने वाले दिनों में यही वीडियोस लेकर आऊँगी। आप छोटे किटन्स पे मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही थी कि मेरी मिनी जो है और मेरी जोए के ये बेबीज़ होने वाले हैं, तो मैं सोच रही थी कि पहले उनके बेबीज़ हो जाए तो फिर मैं वीडियोस दिखाऊंगी। लेकिन आपके ज़्यादा क्वेश्चंस की वजह से मैं पहले से ही बना लूँगी। स्वीटी के बच्चे भी मेरे पास, मैं दोबारा से ले आई हूँ, तो इन्हीं के ऊपर मैं आपको बता दूँगी कि मैं इनको क्या डाइट दे रही हूँ। अब आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो है कैट्स के हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल नहीं, हेयर बॉल, जो कैट वॉमिटिंग के थ्रू निकालती है। बहुत सारे लोग इससे परेशान हो जाते हैं, तो आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप सबके लिए। और इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े की होगी, वो होगा नूर के साथ फुल डे व्लॉग होगा। तो नूर पे हम वीडियो बनाएंगे, नूर के साथ नूर को बात देंगे, छोटे किटन्स को बात देंगे, क्योंकि डायरिया की वजह से गंदे हुए हुए हैं, तो इनका भी एक प्रॉपर व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो जो है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन माय वीडियोस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फॉल क्या होता है? आपने नोटिस किया होगा कि आपकी कैट्स अक्सर वॉमिटिंग करती हैं, जिसमें वो अपने अंदर से बालों का एक गुच्छा निकालती हैं। हेयर फॉल बेसिकली गोल नहीं होता, मोस्टली लंबा सा होता है, और बालों का लंबा सा गुच्छा होता है, इतना सिगार की तरह का होता है, ठीक है। और ये जब कैट वॉमिट करती है तो थोड़ा सा पानी और साथ में हेयर बॉल कैट के अंदर से बाहर निकल आता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कैट्स को अल्लाह ताला ने इसी तरह का बनाया है कि कैट्स अपनी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, अपनी बॉडी को क्लीन करती रहती हैं। सो अपने आप को क्लीन करने की वजह से जो कैट्स के एक्सेस और डेड हेयर होते हैं वो उनके मुंह के जरिए उनके अंदर चले जाते हैं। अगर आप नोटिस करें तो कैट्स की जो जुबान होती है उस पे ब्रिस्टल्स की तरह होते हैं, ब्रश की तरह उनकी जुबान होती है कैट्स की। तो जब वो अपने आप को लिक करती हैं तो जो इनके डेड हेयर होते हैं वो कैट के अंदर चले जाते हैं। कुछ हेयर ऐसे होते हैं कैट्स के जो उनके स्टूल्स के साथ निकल आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ज़्यादा हेयर जो होते हैं वो उनके अंदर इकट्ठे होते रहते हैं उनके स्टमक में, और फिर वो इंटेस्टाइन्स में जाकर वो एक प्रॉपर एक क्लॉट बना देते हैं, एक बॉल, हेयर बॉल बना देते हैं, गुच्छा बन जाता है, कैट्स के अंदर ब्लॉकेज कर देता है। लेकिन ये ब्लॉकेज खुदा ना खास्ता इतनी स्वेयर नहीं होती है, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये कैट्स के अंदर जाके ब्लॉक हो जाएं। कैट्स ये खुद ब खुद वॉमिट करके निकाल देती हैं बाहर।
हेयर बॉल का इशू बड़ी कैट्स में ज़्यादा होता है. आप नोटिस करेंगे कि किटन्स में हेयर बॉल का इशू नहीं होता, क्योंकि किटन्स एक तो खुद को ज़्यादा लिक नहीं करते और उनके बाल इतने बड़े नहीं होते, और अगर बड़े भी हों तो बचपन में किटन्स को हेयर फॉल ज़्यादा नहीं होता है. हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं किसी भी रीज़न से, और स्पेशली गर्मियों में कैट्स का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो गर्मियों में हेयर बॉल का प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो जाता है. और ज़्यादातर कैट्स हेयर बॉल निकालती हैं सुबह सुबह के टाइम. अक्सर ऐसा होता है कि मैं भी उठ के देखती हूँ तो मेरे रूम में 2-3 हेयर बॉल मुझे नज़र आ रहे होते हैं, वो कैट्स ने निकाले होते हैं. अगर आप अपनी कैट्स में ये देख रहे हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हों, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक हेल्दी कैट की निशानी होती है कि वो खुद ब खुद अपना हेयर बॉल निकाल रही है. अगर ये हेयर बॉल ना निकाल सके, अंदर ब्लॉक हो जाए, तो खुदा ना खासा कैट्स की डेथ भी हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है. हेयर बॉल का इशू ज़्यादातर लॉन्ग हेयर कैट्स में होता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट हेयर कैट, क्योंकि लॉन्ग हेयर कैट्स जो होती हैं उनके बाल ज़्यादा उतरते हैं, उनको हेयर फॉल का इशू ज़्यादा होता है, जिस वजह से उनमें हेयर बॉल का इशू हो जाता है. सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? सिम्टम्स ये होते हैं कि आपकी कैट के अंदर जब हेयर बॉल बन जाता है और उसको तंग आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, तो कैट जो है वो थोड़ी लेज़ी हो जाती है, और कैट को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, समटाइम डायरिया हो सकता है, और कैट का खाना खाने का दिल नहीं करता, बहुत कम खा रही होती है, अगर खाना भी खा ले तो वो फिर वॉमिट करके निकाल देती है, क्योंकि उसके अंदर जो हेयर बॉल फंसा होता है जिस वजह से खाना उसका नीचे नहीं जा रहा होता है. तो कैट इस सिचुएशन में खुद ब खुद वॉमिट करती है, अल्लाह ताला ने उसको ऐसा ही बनाया, और अपने अंदर से हेयर बॉल को जो है वो रिमूव कर देती है. बिल्कुल टेंशन की बात नहीं होती, ये एक बिल्कुल हेल्दी चीज़ है कैट्स के लिए. अब ट्रीटमेंट की बात करें तो कैट्स के हेयर फॉल के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है जिससे 100% ख़त्म हो जाए, ऐसा किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं है. बस आप इसको रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं कि अपनी कैट्स की ग्रूमिंग बहुत अच्छी करें. ग्रूमिंग में आपको ब्रशिंग करनी है. अगर आप रेगुलरली अपनी कैट्स की ब्रशिंग करेंगे तो उसके जो डेड हेयर होंगे वो खुद ब खुद आप ब्रश से उतार देंगे. जितने हेयर आप रिमूव कर देंगे तो कम चांसेस होंगे कैट के अंदर वो हेयर फॉल जाने के और हेयर फॉल से नहीं बनेगा. तो जितनी आप अच्छी ग्रूमिंग करेंगे उतनी ही ज्यादा कैट के आप हेयर बॉल के इश्यू को रिड्यूस कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ मेडिसिंस भी आती हैं, लेक्सेटिव्स होते हैं, वो अगर आप अपनी कैट को दे दें तो उससे वो उसमें एक लुब्रिकेशन क्रिएट हो जाती है कैट के अंदर, और हेयर बॉल अगर फंसा भी होता है तो वो आराम से रिमूव हो जाता है, निकल आता है. अगर सम टाइम ऐसा होता है कि कैट को कॉन्स्टिपेशन इस वजह से हो जाती है क्योंकि ये हेयर बॉल जो है वो निकल नहीं रहा होता, तो उस सिचुएशन में आप कैट को थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी दे सकते हैं, 1/2 teaspoon या 1 teaspoon जितना आप दे सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो. वो भी एक लिक्सेटिव का और एक लुब्रिकेंट का काम करता है, और आपके कैट के हेयर बॉल को रिमूव करने में वो हेल्प करता है. लेकिन इसको आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि कैट ने अपनी ग्रूमिंग तो करनी है और उसके अंदर से हेयर निकलने ज़रूरी होते हैं. तो इसके लिए रिड्यूस आप ऐसे ही कर सकते हैं कि बस आप कैट को टाइमली जो है वो ब्रशिंग करते रहें, तो इससे कोई कैट की हेल्थ को भी नुकसान नहीं होता है. लेकिन अगर कैट का बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और तकरीबन डेली बेसिस पे ही उसको कैट के हेयर बॉल निकल रहे हैं, तो फिर ये टेंशन वाली बात है, फिर आपको अपने किसी अच्छे से वेट से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए. तो आई होप आपको हेयर बॉल से रिलेटेड सब क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा. कोई रहता होगा तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत मज़े की होगी, आप बहुत इन्जॉय करेंगे. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा. मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.